नमस्कार, नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। महाकुंभ को लेकर अपेक्स कमेटी की बैठक में 31,50,00,000 रुपए की 10 परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इनमें बक्शी बांध से दशाश्वमेध घाट तक स्ट्रीट लाइट, परेड मैदान में 55 प्रीमियम टेंट, सीसी रोड विकास और अस्थायी बस अड्डे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि किसी का घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं गिराया जा सकता। अदालत ने गाइडलाइंस तय की जिसमें 15 दिन पहले नोटिस देना, सुनवाई का मौका देना और वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। किसी भी कार्रवाई में पक्षपात से बचने की हिदायत दी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एक पुरानी तस्वीर को हाल ही में बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तस्वीर में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट को व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिखाया गया। फैक्ट चेक से पता चला कि यह तस्वीर मई 2020 की है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.21% तक पहुंच गई है। इस बढ़ी हुई महंगाई के बीच दिसंबर में ब्याज दरों की में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी कम है क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही सुस्ती की चपेट में है। आज देश भर के 11 राज्यों में 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्रों का दौरा किया जबकि अन्य नेताओं ने भी आज मतदान में भाग लिया। वहीं सिक्किम में 2 सीटों पर निर्विरोध जीत हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों से परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की अपील की है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की लाइफ समाप्त हो रही है। सरकार का लक्ष्य 2032 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 20 गीगावाट तक पहुंचाना है। भारतीय सेना ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट आकाश तीर का विस्तार, निगरानी हेलीकॉप्टरों की खरीदारी और उत्तरी सीमा पर तैनाती के लिए ATV की खरीदारी शामिल है। इन कदमों से सेना की सतर्कता और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा। चेन्नई में NIA कोर्ट ने हिजब उत तहरीर HUT के सदस्य अब्दुल्ला को आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया और 5 साल की सजा दी है। उसने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट अपलोड की थी। HUT पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर होंगे। वह G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नाइजीरिया और गुयाना के नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। भारतीय बल्लेबाजों को सुधार की जरूरत है। दोनों टीमों के बीच 4 T20 मैचों की सीरीज का आज तीसरा मैच होना है जो कि सेंचुरियन में होगा। T20 मुकाबला भारतीय समयानुसार 8:30 बजे खेला जाएगा। विहिप की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 से छठ पूजा तक हिंदू समुदाय पर 300 से अधिक हमले हुए हैं। इनमें युवतियों की जान लेना, मंदिरों पर हमले और धार्मिक यात्राओं पर हमले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश घटनाएं हुई। CAG की रिपोर्ट में 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी निकायों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। 17 राज्यों में निर्वाचित परिषदें सक्रिय नहीं है और स्टाफ की कमी और वित्तीय दिक्कतें भी बड़ी समस्याएं हैं। भारत में महिलाओं की प्रजनन दर घट रही है जो 1950 में 6.2 से घटकर अब 2 से नीचे आ गई है। गिरती प्रजनन दर से बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी जबकि आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा। 2050 तक यह दर 1.3 तक गिर सकती है। एक समाचार वेबसाइट के अनुसार काबुल स्थित तालिबान प्रशासन मुंबई स्थित अफगानिस्तान महावाणिज्य दूतावास में एक नया प्रतिनिधि डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल को कार्यवाहक काउंसलर नियुक्त किया है। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख के डेमचोक और देपसांग इलाकों में साप्ताहिक गश्त करने पर सहमत हुई हैं। दोनों देशों ने अस्थायी निर्माण को हटाने की भी सहमति दी है। केंद्र सरकार ने CISF के तहत पहली केवल महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी है जिसमें 1025 महिला कर्मी शामिल होंगे। यह बटालियन सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात की जाएंगी और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में लगेंगी। दिल्ली NCR उत्तर भारत में प्रदूषण और ठंड की समस्या बढ़ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है जिससे API 349 तक पहुंच गया है। 13 से 15 नवंबर तक स्थिति खराब रहेगी, उसके बाद ठंड भी बढ़ेगी। भारत ने DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर में से लॉन्च किए गए इस मिसाइल के परीक्षण में सभी सिस्टम ने उम्मीद के अनुसार काम किया। एलन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अर्थशास्त्री जेफरी डी सैक्स ने रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ों पर सवाल उठाए। सैक्स का कहना है कि नाटो का विस्तार और यूक्रेन का शामिल होना रूस के हमले का कारण बना। 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किया। यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। रोहित के पहले दोहरे शतक से वह इतिहास में शामिल हुए।
रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के बाद रिलायंस एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो स्टार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के कंटेंट को एक साथ लाकर नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से मुकाबला करेगा। विकी कौशल की आगामी फिल्म महाअवतार की आधिकारिक घोषणा हो गई है। फिल्म में विकी भगवान परशुराम के रूप में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट दिसंबर 2026 है। पोस्टर और विकी के लुक को फैंस ने सराहा। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को सितंबर महीने में 97वें ऑस्कर अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भेजा गया। बीते दिन मंगलवार से किरण राव और उनकी पूरी टीम ने ऑस्कर के लिए फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। जूही चावला आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कभी बी आर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का रोल ठुकराया था, क्योंकि उन्हें कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला। यह फिल्म उनके करियर के लिए अहम साबित हुई। जूही अब ओटीटी में भी सक्रिय हैं। वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बिल्ली का हेयर कट कराने पर 1000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए थे, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अकरम ने मजाक करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इतने में 200 बिल्लियों के बाल कट सकते थे। अब बिना बैंक अकाउंट के भी UPI अकाउंट बनाया जा सकता है। NPCI ने डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। बिना बैंक खाता के UPI ID बनाने के लिए UPI ऐप में ऐड फैमिली एंड फ्रेंड विकल्प पर टैप करें, सेकेंडरी UPI ID जोड़ें, लिमिट और पेमेंट अप्रूवल सेट करें और फिर सेकेंडरी यूजर को रिक्वेस्ट स्वीकार करने पर UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल को लेकर कहा कि भारत अमेरिका रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। उन्होंने ट्रंप के अप्रवासी नीति पर चिंता जताई और भारत को इसके संभावित प्रभाव के लिए तैयार रहने को कहा। 26 नवंबर 2024 को किसान और मजदूर संयुक्त रूप से 12 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य MSP की कानूनी गारंटी, श्रम संहिताओं का निरस्तीकरण और न्यूनतम वेतन और कृषि मुद्दों का समाधान है। प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन के अनुसार 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनेगा और भारत में मुस्लिम आबादी में वृद्धि होगी, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू आबादी बढ़ेगी। चीन ने पाकिस्तान में अपने सुरक्षाकर्मी तैनात करने की इच्छा जताई है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां चीनी नागरिक और प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान ने अभी इस पर सहमति नहीं दी है। चीन सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग की उम्मीद करता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पुरुषोत्तम, रामबाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, उज्ज्वल कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, रविशंकर साह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन से आप कितना सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।